नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन के वृक्ष की छाल के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसके हमारे शरीर पे बहुत अच्छे फायदे होते हैं और इसे हमें कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए आज हम उसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन से रोगों में लाभदायक होता है उसके बारे में भी जानेंगे। यह तो आप सभी जानते हैं कि यह जो वृक्ष होता है जंगलों में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 60 से 80 फीट तक होती है। इसके पत्ते जो होते हैं आकार मनुष्य की जीभ के समान होते हैं। पत्ते के पीछे जो डंठल होते हैं उनमें दो गांठें होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। बैसाख और ज्येष्ठ में इसके फूल आते हैं। फूल बहुत छोटे और हरी झाई लिए होते हैं। आइए और जानते हैं, इसकी जो छाल होती है वह हरापुलन लिए हुए सफ़ेद, खाकी, भूरी या बैंगनी रंग की और साफ होती है। इस झाड़ में एक प्रकार का साफ और सुनहरा भूरे रंग का पारदर्शक गोंद लगता है जो खाने के काम आता है। आइए जानते हैं अर्जुन की छाल के बारे में। अर्जुन की जो छाल होती है वह कसैली, मधुर, शीतल और कांतिजनक होती है। इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, बल प्रदान होता है और यह हल्की होती है, और यह अस्थि भंग यानी कि किसी की अस्थियां यानी कि हड्डी टूट गई हो उसे जोड़ने के भी काम आती है, और यह कफ, पित्त और यह प्रमेह में और हृदय रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। पांडु रोग में यह और मेदु वृद्धि करती है, ये और रुधिर विकार जो होते हैं उन्हें भी दूर करती है, और यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और भस्म रोगों का भी ये नाश करती है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। इसका सेवन करने से हमारे जो मूत्र संबंधी परेशानियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं और मूत्र साफ हो जाता है, यानी कि अगर किसी भी साइड इफ़ेक्ट से हमारे बाथरूम का कलर या हमारे मूत्र का कलर चेंज होता है, अगर हम इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो वह भी ठीक प्रकार से आने लगता है, और यह घावों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। टिप्स नंबर 1, हृदय रोग को दूर करने के लिए इस वृक्ष की छाल बहुत लाभकारी होती है। टिप्स नंबर 2, अर्जुन की छाल को रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर मलमल के कपड़े से इसे छान कर इसका क्वाथ पीने से रक्त पित्त का भी लाभ होता है। यह तो आप जान गए होंगे कि हमें जो अर्जुन की छाल होती है उसे रात भर के लिए पानी में भिगोना होता है और सुबह उठकर इसे छान लें और फिर इसे ओटाकर इसका क्वाथ बना लें, ऐसे अर्जुन की छाल का क्वाथ बन जाता है। टिप्स नंबर 3, शुक्रमेह के रोगियों को भी अर्जुन की छाल के साथ श्वेत चंदन का क्वाथ पिलाने से बहुत लाभ होता है। टिप्स नंबर 4, अर्जुन की छाल को बकरी के दूध के साथ पीसकर उस दूध में शहद भी मिलाकर, अगर आप ऐसा ना पी पाएँ तो थोड़ा शहद मिला लीजिए, पीते हैं तो रक्त अतिसार दूर हो जाता है। टिप्स नंबर 5, अर्जुन की छाल के चूर्ण में अड़ूसे के पत्ते का स्वरस। मैंने अड़ूसे के पत्तों के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है, यह खांसी रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे अगर शहद, मिश्री और गोघृत के साथ चाटते हैं तो छह खांसी और कफ में जो खून आता है वह भी ठीक हो जाता है। टिप्स नंबर 6, मूत्रघात रोग में अर्जुन की यंत्रछाल का क्वाथ पीना कर पी लेने से बहुत लाभ होता है। टिप्स नंबर 7, गेहूं और अर्जुन के वृक्ष की छाल को बकरी के दूध या गाय के दूध के साथ पकाकर थोड़ी सी उसमें मिश्री मिलाकर चाटते हैं तो हृदय रोगियों में बहुत लाभ मिलने लगता है। टिप्स नंबर 8, अर्जुन की छाल काढ़ा, अगर किसी को भारी त्वचा पर घाव हो गए हों तो उन घावों को भरने के लिए अगर आप उस घाव के ऊपर इसके काढ़े का फोया बनाकर भी लगाते हैं तो उसके जो संक्रमण होते हैं वह भी नहीं लग पाते हैं। टिप्स नंबर 9, हड्डी टूटने पर भी इसके काढ़ा देने से भी बहुत लाभ होता है इसका, या फिर बारीक चूर्ण कर भी अगर आप इसकी फंकी भी देते हैं तो भी बहुत लाभ मिलने लगता है। टिप्स नंबर 10, अगर किसी को प्रमेह और अत्यधिक मूत्र होने की बीमारी हो जाती है तो इस क्वाथ को पिलाने से भी बहुत प्रयोग में लाते हैं तो बहुत लाभ मिलने लगता है। धन्यवाद।